नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G40 Fusion vs Infinix Note 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G40 Fusion में 6.68 इंच जबकि Note 11 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि G40 Fusion से कम है। विड्थ की बात करें तो G40 Fusion में 2.99 इंच जबकि Note 11 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G40 Fusion में 0.38 इंच जबकि Note 11 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G40 Fusion में 225 ग्राम जबकि Note 11 में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G40 Fusion में IPS LCD जबकि Note 11 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो G40 Fusion में 20:5:9 जबकि Note 11 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G40 Fusion में 6.8 इंचेस जबकि Note 11 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G40 Fusion में 1080x2460 और Note 11 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G40 Fusion में 85.43% जबकि Note 11 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G40 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G40 Fusion में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G40 Fusion में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G40 Fusion में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G40 Fusion में Adreno 618 जबकि Note 11 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G40 Fusion में Qualcomm Snapdragon 732G और Note 11 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो G40 Fusion में अप टू 1TB जबकि Note 11 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी G40 Fusion में 6000mAh जबकि Note 11 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G40 फ्यूजन में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 11 की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11 आगे है, मेन कैमरा में G40 फ्यूजन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G40 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम है, दूसरा मोटो G10 पावर है, तीसरा मोटो G51 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y2 1T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।